काफी दुख महसूस कर रहे थे सोशल मीडिया में लगभग एक्टिव रहा तो न्यूज क्या हो तो रालसो को पाई चुकी है या फिर वो पोस्ट के रालसो को पाई चुकी है। अगर पाई के भी रालसो को नजरअंदाज कर रहा तो मैं रालसो को क्या आज ये वीडियो के माध्यम से रालसो को क्लियरिफाई कर देता हूँ। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के एगो माया जैन के उनका घर है हारमती काठोड़ी 3 नंबर दरखास्त गाँव में और वो माया के नाम लगे पल्लवी पांडो और जेकर उम्र लगभग 25 ईयर्स हो जैन की बी ए कम्प्लीट कर चुके और उनका लाइफ में वो आगे बढ़े के खातिर प्रयास करते रहे और वह समय में उनका एक बड़का बीमार में जूझता है जैन की उनका बीमार ब्रेन ट्यूमर जैसे एक डांगर बीमार में जूझता है और उनका घर केयर फैमिली केयर उतनाटा सक्षम नखे उनके भल उन्नतम चिकित्सा करे के खातिर तो वो सब काफ़ी निराश में आए काफ़ी दुख में आए काफ़ी टेंशन में आए कि मानकर जो बेटी जैन की जगह चलते आज पल्लवी पांडो के उन्नतम चिकित्सा नहीं होकर चलते आज घरे वो बैठ गया है। तो राव सब को क्या अनुरोध करते थे कि राव सब कोई हमें हर कोई अगर एक एक रुपया या फिर राव सब जितना पारो के 5 टका के 10 टका के 50 टका के 100 टका जेकर जितना रहा हो अगर हमें ये माया टाके खातिर ये दीदी टाके खातिर ये बहन के खातिर अगर हमें सोच के एक एक रुपया अगर ओके हमें के दे के सहाय करे पड़ब तो हों तो वो माई जे माई उनकर बेटी के खातिर हर रोज का होता है वो माई के ओरा में अपन बेटी हमेशा रही जेकर जेकर लेके वो माई सपना देख के रहे के वो बेटी के वो हमेशा ऊपर सामने देख पाए। तो राव सब के अनुरोध कर हम इनके जोहार यूट्यूब चैनल के जितना भी मेम्बर्स हो पाए हम इनके जितना भी सब्सक्राइबर व्यूअर्स फेसबुक पे हम इनके व्यूअर्स पे राव सब के रिक्वेस्ट करते कि राव सब के अगर सहयोग कह रहा तो बहुत बहुत धन्यवाद और अखन तक राव सब के सहयोग नहीं कह रहा राव सब के अगर चाह था वीडियो में राव सब के यहाँ मैं स्कैनर का शो कर देता हूँ राव सब के वीडियो के पोस्ट करके स्क्रीनशॉट करके राव सब के पे कर सकल और साथ ही साथ नंबर भी मैं स्क्रीन में दे देता हूँ इन नंबर में राव सब के जे भी पारो था राव सब के सहयोग करे में मदद कर बाबू के मोर जी से अनुरोध जाना था और मैं उस फैमिली में ऑलरेडी जाके उस घर में जाके मैं खबर ले लुआ के मैं ऑलरेडी आई चुके के वीडियो के मैं राव सबके माजे प्रस्तुत कर रहा हूँ और उस आयो कर भी मंतव्य मैं राव सबके के माजे देखा जाऊँ यूट्यूबर भाई सबके मैं धन्यवाद देखा के देखिए सब हमारे घर के परिस्थिति के सुन लाए और बुझ विचार ले पाए आलाय से कर लाए पुनर बार धन्यवाद देना और एखान हमने के छुआ के आस्ते चिकित्सा के खातिर हमने के टका पैसा नहीं खे और टका पैसा नहीं रहे के खातिर हमने डिब्रुगढ़ ले रहे और वहाँ से घुरा के आन के यहाँ आज 2 महीना दिन हो होत है और डिसलाई में आए और टका पैसा अभाव के खातिर और इस सब के मैं बहुत कष्ट से लिखा पढ़ा में अगुवाई दे रहा और के लेकिन मैं स्कूल के रांधनी करना और बहुत कष्ट और सभी को जाने ना जे स्कूल के रंग निकालने में कितना पैसा पाए ना नहीं पाए ना तथापि तो हमने मैं बहुत कष्ट करके सबके दो जन बेटी के मैं पढ़ाई रहा और दो जन बी ए पास कर लाए और एखन एक जन के तो शादी दिल कि एक जन एखन आए बी ए पास करके घर आए और इन बी ए पास करके हो रहे हैं और उनका बीमार धर लाए और मैं आगे दिन में मैं चिंता करके राहत रहा जे इस सब मके क्या क्या करके मके मैंने पोसवाए गए के किंतु एखन इतना डांगर बीमार में भुगाता है जिस कर से मैं हमार आदिवासी भाई सब के अहम के आदिवासी हमार जज सब के मैं अनुरोध कर रहा हूँ जे तोहरे के आशीर्वाद बा तोहरे के सहाय हारथी मैं खोजात हूँ और जैसे मोर ये छुआ जैसे उन्नत चिकित्सा जाते हुए हुए और पुनर मैं जे रखम एखान आए मोर सामने और उसने मैं जाते द्वितीय बार घूरा के पाब कह के मैं आशा कर रख और हमें डॉक्टर टीम से जाने पाए रहे जे तो राव सब के अनुरोध करता हूँ राव सब के ऑलरेडी ये वीडियो के क्लिप राव सब के दे चुकला तो राव सब के यह अनुरोध करता हूँ कि हम ही एक आदिवासी माया के आगे अगर हमें बचा के चाहब तो जरूर पाब केकरो एक रुपया से अगर केकरो जान बचत है तो हम इन कार्य में अगर हम इनके 10 टका से 1 टका से 5 टका से केकरो अगर जिंदगी बचत है तो हम इन में पीछे हटक नहीं लगे हम इन बहुत पैसा खाई के उड़ाई दिल
एस करके उड़ा दे कहूँ वेस्ट कर दे। अगर हम कहो को अगर हम वो हेल्प कर पाते वो हेल्प करूँ वजह से कोनो परिवार अगर सुख से रही हंसी खुशी से रही तो हम इनके भी आशीर्वाद मिली। तो वह गाय के रासो को मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के रासो को विनती करता हूँ कि रासो को अगर चाहवा तो हम इनके बहन के बधाई सकता। तो रासो को जितना आदिवासी आयो आप भाई बहन जितना भी है रासो को जे पारो था रासो को मदद करा और ये वीडियो के इतना ज्यादा शेयर करा कि हर कोई तक पहुँचो कर हर कोई हम इनके माया के हेल्प करो और ताकि उनके एक नया जीवन मिलो। यह कह के मैं ये वीडियो के समाप्त करता हूँ, मैं दीप दर्शकों से विदाई लेता हूँ, फिर मिलबो नेक्स्ट फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार जय हिंद।